हेलो डियर स्टूडेंट, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते होंगे या डॉक्टर बनना चाहते होंगे, लेकिन हम अभी जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं तो हमें डॉक्टर बनने के लिए अभी से और इसी क्लास से ही किस प्रकार से हमारी पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसको लेकर हमारी ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि कई सारे वीडियो जो हमने बनाई है डॉक्टर से रिलेटेड, डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया है। तो कई सारे स्टूडेंटों का ये प्रश्न भी रहा है, तो हमने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपके माइंड के ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। तो छात्रों, आप जब भी डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो इसके लिए आप 2 महीने या 4 महीने, 5 महीने या 1-2 साल में आप डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत कैसे, जैसे कि आप जिस क्लास में भी हैं, आप 10th में हैं तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, 9th में हैं, 10th में हैं या फिर 8th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो अभी से आपको प्रैक्टिस करना होगा। कैसे क्या करना है हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो छात्रों, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। सबसे पहले तो हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारी इंग्लिश में अच्छी पकड़ होना चाहिए। हमें बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। तो इंग्लिश में आपको अच्छी पकड़ बनाना है और आपका जो माइंड सेट है, यानी कि आपका जो माइंड सेट है एकदम एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि ऐसा आलसपने में आपको पढ़ाई नहीं करना है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करना है साइंस से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। और इसके बाद में जब आप क्लास 11th में आ जाओगे तो 11th से आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव करना है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे ही आप 11th क्लास में आओगे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनको डीपली पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें 11th क्लास निकालना है, बल्कि हमें डॉक्टर की नीट एग्ज़ाम को निकालना है। यानी कि जब तक आप नीट नहीं निकालोगे, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकालोगे, तब तक आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, डॉक्टर की आगे पढ़ाई करने के लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, और नीट तभी क्लियर होगा जब आप 11th क्लास से ही अच्छी से पढ़ाई करोगे। तो आपको जो भी सब्जेक्ट है उसको डीपली पढ़ना है, क्योंकि हमें नीट एग्ज़ाम निकालना है। और इसके बाद में 12th भी कुछ इसी प्रकार से पढ़ना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना है, सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, रिएक्शन समझना है। तो ये सभी जो टॉपिक हैं आपको क्लियरली आपके माइंड में जाना चाहिए। इसके लिए आप 1-2 कोचिंग भी लगा सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की, जैसे कि केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह की, जिनकी आप कोचिंग भी लगा सकते हैं। तो छात्रों, ये तो रही इम्पोर्टेंट बात, आपको क्लास 12th तक कैसे पढ़ाई करना है। तो छात्रों, इसके बाद में 12th के बाद में आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप नीट में अच्छी रैंक ले आओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आपकी फीस भी कम लगेगी और आप अच्छी सी बड़ी डॉक्टर की डिग्री कर सकते हैं। और इसको लेकर हमने कई सारी वीडियो अपलोड भी की हैं, तो वो वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि उनमें बताया गया है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कौन कौन सी डिग्रियाँ होती हैं, तो इसको लेकर आपको अन्य वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।